हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल। मैं बेरियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन हूँ, साथ ही साथ पाइल्स फिशर और फिशुला का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। यदि आपको फिशुला यानी बगंदर बीमारी की तकलीफ है तो ये वीडियो में आपको काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो में क्या चर्चा करने वाला है इसका मैं आपको ब्रेकडाउन यानी स्टेप्स बताने वाला हूँ। पहले तो हम चर्चा करने वाले एक एग्जाम्पल के बारे में, सेकेंड बात करने वाले कि फिशुला एक्चुअली कैसा दिखता है और उसमें क्या कंडीशन रहता है, और उसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देने वाला हूँ। थर्ड स्टेप पे मैं आपको एक लाइव फिशुला यानी बगंदर के मरीज में कैसा ये दिखता है वो आपको बताने वाला है। और चौथे स्टेप पे ये सर्जरी का एक सिंपल जो सॉल्यूशंस रहते हैं उसमें से एक सर्जरी हम आपको लाइव बताने वाले हैं। यदि आपको बगंदर बीमारी की तकलीफ है, फिशुला की तकलीफ है, तो ये वीडियो में आपको एक बेहतर समझ मिलने वाली है। ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और फिर अंत में जब ये वीडियो खत्म हो जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हमने सर्जरी की, वो सर्जरी का वीडियो भी आप देखिए, जिसमें हमने आपको फिशुला ये कैसे दिखता है वो बताया, और उसके एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको बोलते हैं फिशुलेक्टमी, उसको भी हमने आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको फिशुला बगंदर की बीमारी है तो ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। आपके लाइक से और सब्सक्रिप्शन से हमको भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे और यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स पढ़ के भी हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे वीडियो को सराह रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि मैंने बताया, स्टेप वन पे मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आज एक आपको कहानी या एक उदाहरण देने वाला हूँ, एक स्टोरी बताने वाला हूँ। 1960s यानी 1960 के दशक में जब अंतरिक्ष की जो रेस थी, वो अंतरिक्ष की रेस में जब अमेरिकन साइंटिस्ट और नासा एजेंसीज ने सोचा कि एक पेन बनाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में पेन काम नहीं करता है क्योंकि उधर ग्रेविटी नहीं है। तो बेसिकली आप पेन या बॉल पेन या जो इंक पेन फाउंटेन पेन वो काम नहीं करती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि एक पेन बनाया जाए, और लाखों मिलियन डॉलर्स का खर्चा करने के बाद वो प्रेशराइज्ड पेन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान रशियंस ने सिंपल सॉल्यूशन निकाला ये प्रॉब्लम का, जो था उन्होंने पेंसिल यूज की। तो दोस्तों, कभी कभी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स या सिंपल प्रॉब्लम्स में भी सिंपल सॉल्यूशंस रहते हैं। तो वैसे ही बगंदर जो बीमारी है, इसमें भी कभी कभी सिंपल सॉल्यूशंस, सिंपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस से हम ये बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। उसको कॉम्प्लेक्स करने की बहुत बार जरूरत नहीं रहती अधिकतम केसेस में, जिसमें शॉर्ट सिंपल लो लेवल फिशुला रहता है। तो ये मैंने आपको उदाहरण क्यों दिया है वो आपको अभी धीरे धीरे आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, फिशुला की अगर हम बात करते हैं तो फिशुला का पहले तो मतलब हम जान लेते हैं। समझाने के तरीके के लिए मैंने आपको एक इधर एक टनल बताया, एक प्लास्टिक का एक टनल मैंने आपको समझा रहा हूं या बता रहा हूं। तो बगंदर का मतलब है ये फिशुला यानी पाइपलाइन या टनल, जिसमें एक मुंह बाहर चमड़ी पे, मलद्वार के बाहर जो चमड़ी रहती है, वो बटक्स के पास एक एक्सटर्नल ओपनिंग यानी एक फुंसी रहती है जिधर से पस बाहर दिखता है, जो जनरली मरीज को दिखता है। इसका एक मुंह अंदर मलद्वार के जहां पे एनस के अंदर इंटरनल ओपनिंग के रूप में अंदर रहता है। तो ये इंटरनल ओपनिंग से बाहर आते हुए एक्सटर्नल ओपनिंग तक ये जो रास्ता है, जो टनल है, उसको बोलते हैं बगंदर। तो ये जो फिशुला है, बेसिकली इंटरनल ओपनिंग से एक्सटर्नल ओपनिंग तक का जो रास्ता है, टनल है, इसको बोलते हैं बगंदर यानी फिशुला। ये फिशुला के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं, अगर सिंपल लो लेवल फिशुला यानी फिशुला का रास्ता नीचे है यानी लो लेवल फिशुला है, और सिंगल रास्ता है यानी एक ही रास्ता है, और ये छोटा रास्ता है यानी शॉर्ट फिशुला है। तो अधिकतम इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो रहता है, इसमें से सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आमतौर पे, अगर आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की बात करें शॉर्ट लो लेवल सिंपल फिशुला में, तो फिशुलोटॉमी या फिशुलेक्टमी सर्जरी रहती है, जिसमें हम ये रास्ते को जड़ से उखाड़ के निकाल देते हैं, जिसमें रिकरेंस रेट यानी वापिस होने के चांस भी कम रहते हैं और इनकॉन्टिनेंस रेट भी कम रहेगा, क्योंकि ये लो लेवल फिशुला है तो अधिकतम स्फिंक्टर मसल्स को इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो बेसिकली ये फिशुलेक्टमी सर्जरी या फिशुलोटॉमी सर्जरी शॉर्ट सिंपल लो लेवल फिशुला के लिए बहुत ही एक सिंपल सॉल्यूशन है, एक सिंपल टाइप का जो फिशुला रहता है उसके लिए। इसके लिए हमने आपको उदाहरण दिया था, जो मैंने आपको अभी वीडियो के आगे बताया कि कभी कभी लाइफ में सिंपल सॉल्यूशंस रहते हैं सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए। तो बेसिकली सिंपल लो लेवल स्ट्रेट शॉर्ट फिशुला के लिए फिशुलेक्टमी या फिशुलोटॉमी इज ए वेरी सिंपल ट्रीटमेंट प्रोसीजर। अगर एक आपके सर्जन वो प्रोसीजर को अच्छे से कर पाते, अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं वो ट्रैक को,
और पूरा जड़ से वो ट्रैक को निकाल सकते हैं, तो उसमें आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, रिकवरी फास्ट मिलेगी और अननेसेसरी रिकरेंस रेट भी नहीं मिलेंगे। तो ये थी बात वो एग्जांपल देने के लिए, ताकि आपको एक बेहतर समझ मिले कि कभी कभी लाइफ में हम बहुत फैंसी सर्जरीज करने की कोशिश करते हैं, लेजर सर्जरी कर देंगे, वेफ्ट सर्जरी कर देंगे, ये सब सर्जरीज काफ़ी अच्छी है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फिशुलास, जब स्विंटर मसल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, ब्रांचिंग फिशुलास, हॉर्सशू शेप फिशुलास, वो सब फिशुलास में इनका बहुत ही अच्छा रोल है, लेकिन जब अधिकतम पेशेंट्स को जब शॉर्ट सिंपल स्ट्रेट फिशुलास रहते हैं, इसमें सिंपल सॉल्यूशंस भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने लिंक दिए, वो लिंक पे आपको फिशुला लाइव कैसे दिखता है वो हमने बताया, एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग हमने बताया, ये फिशुला का ट्रैक कैसे जाता है अंदर उसको भी हमने बताया, और फिर अंत में ये जो सिंपल सॉल्यूशन जो मैंने बताया फिशुलेक्टमी, वो भी हमने आपको सर्जरी के रूप में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में आपको बताया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप क्लिक कीजिए लिंक में, और वो पूरा वीडियो आप देख के, जिससे आपको बेहतर समझ मिलेगी। यदि आपको फिशुला बगंदर की बीमारी है तो आप क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉलो करो, कमेंट सेक्शन में कीजिए टाइप। यदि आपको वीडियो हमको अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप या फिर एप्रिसिएशन के बारे में दो पंक्ति अगर आप लिख देते हो, तो और हमको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे यूजफुल वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद।